इसमें भी नहीं, यही वाला नहीं, यही वाला, चलो सिलेक्शन यही दोनों। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड हैप्पी संडे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कुछ खास। सुबह के बजे हैं 9 और ब्रेकफास्ट हो गया है और कुछ ऊपर से बना रही हूँ खाने के लिए। अभी भी खाएंगे या इवनिंग में ही खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ ये दिख रहा है क्या, दिख कैसे दिख रहा है, नहीं हाँ दिख रहा है मैंने सोचा इसका बैक दिख रहा है। इसमें बनाऊंगी मैं ढोकला और इसमें बनाऊंगी केक। तो मैं बेक नहीं करने वाली आज, मैं कुकर में बनाऊंगी और कुकर में बनाऊंगी। बहुत लोग तो बोलते हैं कि कुकर में केक नहीं फूलता है, ये होता है वो होता है। तो मैं आज बताऊंगी ना कुछ इसमें सीक्रेट में कुछ डालने वाली हूँ। और मैं हमेशा से ही ऐसे ही बनाते आई हूँ। तो मैं ये कढ़ाई रखी हूँ ना, तो कढ़ाई में ये ढोकला बनाऊंगी, ऐसे रख के नीचे स्टीम करूंगी। और ये जो कुकर है ना, जो मेरे पास कुकर है तो इसी कुकर का ये वाला है, तो मैं इसमें रख के बनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या रखें क्या नहीं रखें इसमें नीचे, तो हमारा ये तला जले नहीं नीचे का। तो पहले तो मेरे पास ऐसा कुकर नहीं था, ये कुकर के साथ आया था तो ये कुकर में आसानी से आ जाता है। तो पहले छोटा वाला कुकर था तो मेरे पास छोटी छोटी कटोरियां थी, तो मैं उस कटोरी में बनाते रहती थी हमेशा। तो ये बड़ा कुकर है ना, तो इसमें मैं ये बड़ा ये दिया हुआ है तो इसी में मैं बनाती हूँ। तो कई लोग बोलते हैं ना, मैं बताती हूँ, तो कई लोग बोलते हैं कि डायरेक्ट ये वाला जो ये स्टैंड है ना, वो लोग कढ़ाई में ऐसे रख देते हैं। तो एक बार आप खुद सोच के देखिए कि ये हमारा जो कढ़ाई 20-25 मिनट के लिए गैस पे रहेगा तो ये हमारी कढ़ाई तो खराब ही हो जाएगी, या कोई भी कुकर या कुछ भी रखेंगे तो खराब हो जाएगा। तो मैं बताऊंगी आपको क्या क्या मतलब कैसे करना है, मेरे को बहुत पहले से पता है। मैं काफी टाइम से, जब मेरे पास माइक्रोवेव ओवन नहीं था तब से मैं ऐसे कुकर या कढ़ाई में, कुकर में खासकर मैं बनाती हूँ, क्योंकि कुकर तो ऐसे मोटा रहता है और इसकी ये तला जो है नीचे ये भी मोटा रहता है, तो ये अच्छे से इसमें हीट आता है ना। और कुकर बंद करके ही बनाना है ढक्कन इसका, तो अच्छे से इसमें हीट आता है तो बहुत अच्छे से केक बेक होता है। और उस टाइम क्या डालना है, 3 ऑप्शन है मेरे पास, आपकी मर्जी है, आप ऐसा ही कर सकते हैं। आटा है, नमक है और रेत है। ये मिट्टी नहीं, ये जो सीमेंटेड बनता है ना, ये जो आपके पास उपलब्ध हो उसी से बनाए। तो मैं तो आटा ही रख के हमेशा बनाती हूँ और वाटर फिर आपका आगे काम आ जाता है, मतलब जो आप करना चाहें या दूसरी बार केक बनाना चाहें तो रख रख दें उसको। तो चलिए, मैंने आपको बातों से बहुत ज्यादा पका दिया होगा, अभी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। और बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत ही आपको काम की ये वीडियो होगा। और हमेशा ऐसे बनाएंगे ना तो कभी आपका केक फेल नहीं होगा, मेरा तो आज तक नहीं हुआ है। मैं हमेशा से ही कुकर में बनाती थी, ऑन नहीं था। तो मैं आज आपको बता देती हूँ, बहुत मैंने बकबक कर लिया। सो गाइज, मैं पहले ढोकला बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रखा है पानी और इसको ढक दिया है गर्म होने के लिए। अब चलते हैं इसका बैटर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है, ये 500 ग्राम का पैकेट था बेसन का, तो मैंने रखा है ये, आप अपने अंदाज से बना सकते हैं। और इसमें मैंने डाला है ये 3-4 चम्मच के करीब सूजी है। और अब मैं इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी ना, ये है कॉर्नफ्लोर, जिससे कि हमारा ये ढोकला बहुत ही स्पंजी और जालीदार बनेगा। तो इसमें से आप 2 चम्मच के करीब डालें इसमें, और ऐसे ही अंदाज से अपना डालें। ये 500 ग्राम मेरे पास है तो आप 250 ग्राम ये बेसन लें, तो आप अपने अंदाज से डालें कॉर्नफ्लोर को। तो अभी मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर कलर के लिए, और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें हरी मिर्ची कट किया हुआ। ये हरी मिर्ची तीखी नहीं है, थोड़ा कम है, आप अपने अंदाज से डालें। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा हींग, और अभी मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1 चम्मच चीनी। और इसके बाद इसमें 1/2 चम्मच के करीब नमक डालूंगी मैं, और इस सभी को ना ड्राई ही मिक्स करेंगे पहले अच्छे से। इसको यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लें सभी को।
और ये पानी से ना धीरे धीरे ऐसे घोल बना ले इसका। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है हल्दी की वजह से। और अच्छे से इसको मिक्स कर लें, और इसके बाद ना इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक लेमन जूस मैं इसमें डालूंगी। और इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे हम, ये रिफाइंड ऑयल है। और ये बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इससे, तो अच्छे से इसको मिक्स करें फिर। और इसको ना ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद हम इसमें कुछ और भी मिलाएंगे, जिससे हमारा ये ढोकला बहुत अच्छा है स्पंजी, और उसी से तो ये फूलेगा। अभी देखिए मैंने इनो दिखाया आपको, इनो डालेंगे इसमें, आधा चम्मच डालेंगे बस, और फटाफट से इसकी घोल बनाएंगे। और अभी थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा भी डालना बाकी है, थोड़ा सा डालेंगे। तो इनो के साथ जैसे ही मीठा सोडा जाता है ना, तो तुरंत रिएक्ट करता है देखिए। और फटाफट से इसकी घोल बना लें, देर न करें, थोड़ा सा पानी डाल दें इस पर, और फटाफट से घोल बनाएं। और देखिए एकदम ये ऊपर की तरफ फूलने लगता है, तो एकदम से अच्छे से इसको फेंट लें। और जल्दी से बैटर को दूसरे में पोर कर दें, वो मोल्ड में। तो मेरे पास है ना ये नॉन स्टिक मोल्ड है, आपके पास कोई कटोरी है तो उसको पहले तेल या बटर से ग्रीस करें, फिर उसमें ये बैटर डालें, नहीं तो बाद में नहीं निकलेगा। तो मैंने रख दिया इसको उबलते हुए पानी में, और ये डूबना नहीं चाहिए। और इसको ना 20 से 25 मिनट तक तेज़ आंच पर ही हमेशा पकाएं ढोकला को, नहीं तो बीच से कच्चा रह जाएगा। तो आप हमेशा ही तेज़ आंच पर ही ढोकला को पकाएं, और देखेंगे कि 20 मिनट के बाद कितना अच्छा ढोकला बना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए एक चाकू से ये कितना अच्छा ढोकला बना है। तो यहाँ पे ये हो गया है ढोकला, अभी मैं निकाल लेती हूँ। और देखिए इसमें थोड़ा सा रुक ही जाता है, ये बड़ा मोल्ड है तो थोड़ा सा उसमें लग जाता है, फिर भी आसानी से ये निकल गया यहाँ पे। और मैंने इस पर सेट कर दिया इसको अभी। तो अभी अपने मनपसंद शेप में इसको कट कर लें। तो मैं इसको चाकू से ही चौकोर शेप में कट करूंगी, और आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है, और बहुत ही अच्छा बना है ये ढोकला। तो अभी इसके लिए ना मैं एक तड़का बनाऊंगी। तो यहाँ पे गैस पे रखा है मैंने पैन, और इसमें डाला है थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और अभी ये गरम हो गया है। तो यहाँ पे मैंने डाला है सरसों, और यहाँ पे सरसों फूट गया है, तो इसमें मैंने डाला है करी पत्ता, और ये हरी मिर्ची कट करके मैंने डाला है चीरा लगा के, और चीनी भी डाल दिया मैंने। और थोड़ी देर के लिए इसको भूने, थोड़ा सा नमक भी डालें। और अभी मैं इसमें ना आधा गिलास पानी डाल दूंगी, और इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है धनिया पत्ता, और नारियल पाउडर भी थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें। और अभी मैं थोड़ा सा लेमन जूस इसमें डाल दूंगी, और थोड़ा थोड़ा बीज गिर गया इसको निकाल दें, और सबको अच्छे से मिक्स कर दें। और तड़का हमारा रेडी है, तो इसमें डाल देंगे हम, और पूरे में फैला दें इसको। और देखेंगे कि बहुत ही जूसी बनेगा ये। तो तैयार हो गया हमारा ये ढोकला, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये एकदम कलर, और खाने में भी बहुत टेस्टी बना होगा ये। तो आप भी बनाइए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका ढोकला कैसा बना। तो जो जो मैंने इसमें डाला है आप भी ऐसे ही डाल के और बनाइए, और कभी आपका ढोकला कच्चा नहीं रहेगा। बहुत लोग मेरे से ऐसे पूछते रहते हैं कि हमारा ढोकला कच्चा रह जाता है,
लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ तो कभी भी कच्चा नहीं रहता और बहुत ही स्पंजी बनता है। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पे बनाना केक बनाया है और ये भी आटे से मैंने बनाया है कुकर में। तो अभी मैं इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ और बताती हूँ कि क्या क्या आप डालें और कैसे बनाएं तो आपका ऐसे परफेक्ट एकदम केक बनेगा, बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक कटोरी चीनी, आप अंदाज से ले सकते हैं, मेरे पास कोई कप वगैरह नहीं है। तो मैंने यहाँ पे नमक भी लिया है थोड़ा सा और ये दालचीनी का पाउडर है। तो आप बनाना केक या कोई भी आटे से जब केक बनाते हैं ना तो इसमें दालचीनी ज़रूर ऐड करें, अगर अंडा नहीं डालते हैं तो थोड़ा सा अलग फ्लेवर आता है। तो ये नमक चीनी और दालचीनी को मैंने ना मिक्सी में बारीक पीस लिया है, पाउडर कर लिया। और अभी मैं इसमें बाउल में ली हूँ ये बटर, मेल्टेड बटर है, और ये जो चीनी का पाउडर किया है ना अभी मैं इसमें मिक्स करूँगी। और इसके बाद इसी मिक्सी में मैं ये दो केला को मैंने छील लिया है, ये पका हुआ केला है, और अच्छे से जो पका हुआ केला ना वही यूज करें। तो इसको ना दही के साथ मैं पीस लूँगी अभी मिक्सी में। तो दही डालना बहुत ज़रूरी है इस केक में। तो एक कटोरी के करीब मैंने दही लिया है और ये पीस लेंगे इसमें बनाना के साथ। तो अभी मैंने इसको पीस लिया है, अभी ना इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये चीनी पाउडर, ये दही, केला और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाना चाहिए सभी एक साथ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया अभी। सो गाइस अभी मैं यहाँ पे कुकर रखी हूँ ना, ये कुकर के तले में मैंने ये आटा, गेहूँ का आटा जो हम रोटी बनाते हैं उसी को मैंने इसमें नीचे बिछाया है, नीचे एक कटोरी आटा रखा है। और अच्छे से इसको कर लें इसमें, आप देख सकते हैं आप नमक भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, तो आटा से अच्छा इसका फ्लेवर आता है। तो अभी ना इसको कुकर को यहाँ पे गरम करेंगे और धीमे धीमे आंच पर उसको प्री हीट करें कुकर को। और अभी इसमें थोड़ा सा मैं वेनिला एसेंस डालूँगी इस घोल में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तब तक ना मैं इस मोल्ड को, जो मेरे पास ये कटोरी है, इसमें थोड़ा सा बटर लगा के और ग्रीस कर लूँगी मैं। यहाँ पे आप रिफाइंड भी लगा सकते हैं या बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और मैंने यहाँ पे गेहूँ का आटा लिया है एक कटोरी और अभी मैं इसमें डालने वाली हूँ, ये थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने डाला है यहाँ पे। और यहाँ पे आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर डाला है। और यहाँ पे मेरा सबसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट, इसके बिना तो केक अच्छा नहीं फूलेगा आपका बिना ओवन का। तो कुकर में जब भी बनाएं तो ये चीज़ ज़रूर आप डालें, ये विनेगर एक चम्मच के करीब डालेंगे और कोई टेस्ट में फ़र्क नहीं होगा। तो आप पहले इसके अंदर, इस बैटर के अंदर ज़रूर ऐड कर दें इसको और अच्छे से उसमें मिक्स कर लें। और यहाँ पे ना ये ड्राई जो मैंने आटा, बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा जो लिया था ना, इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें हाथों से, चम्मच से, जैसे आपको मिक्स करना है अच्छे से मिक्स कर लें। और धीरे धीरे ना इसको इसमें थोड़ा थोड़ा करके बस फोल्ड करना है आपको, कभी भी केक को आप मिलाएं नहीं, बस धीरे धीरे ऐसे फोल्ड करें, आप कभी भी इसको मिलाएं नहीं। मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। तो एक बार मैंने वो आटा डाला था, फिर दोबारा भी मैंने डाला इसको और धीरे धीरे ही करके इसको फोल्ड करें। और कभी भी केक को ना ज़्यादा मत चलाएं, ज़्यादा देर तक मत घुमाएं, बस फोल्ड ही करना है इसको। और सबको मैंने डाल दिया और बस फोल्ड करके और फटाफट से इसको वो जो प्री हीट कुकर है ना उसमें डाल देंगे इसको मोल्ड में रख के। तो देखिए यहाँ पे फूलने लगा है ये दही और ये सोडा और ये जो मैंने विनेगर डाला था ना, तो ये और रिएक्ट करता है साथ में, तो बहुत अच्छा फूलने लगता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने इसको मोल्ड में ट्रांसफ़र कर दिया है। और इसको टैप करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें एयर आ जाता है। तो मैं इस पर ना वॉलनट डाल दूँगी, यहाँ पे जो अखरोट है इसको मैंने
यहाँ पे कूट के रखा था। तो अभी देखिए ये कुकर प्री हीट हो गया है, तो इसमें इसको रख देंगे। और जैसा आपका मतलब मोल्ड है और छोटी कटोरी है तो आपका 20 मिनट लगेगा, और मेरा यहाँ पे ज़्यादा बड़ा ये मोल्ड था और मैंने ज़्यादा बनाया है वो, तो मैंने इसको 40 मिनट के लिए रखा है। और थोड़ी देर वेट किया मैंने और 40 मिनट होने वाला है अब, तो देख लेते हैं खोल के। और देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना अच्छा मेरा केक बना है, जैसा मैंने सोचा भी नहीं था, एकदम कलर आया है कितना अच्छा। ये अच्छे से बेक हो चुका है और अभी थोड़ा ठंडा करके मैं इसको निकालूंगी। सो गाइस, यहाँ पे बहुत ही सावधान रहे, ये कुकर बहुत ही हीट रहता है, हाथ जलने का डर रहता है, तो ऐसे चिमटे से ही निकाले। और देख सकते हैं ये आटा की हालत, तो आप ना इसको रख सकते हैं ऐसे ही डिब्बे में भर के रख दें, दोबारा बनाए कभी 15 डेज, 1 मंथ, 1 वीक, जो भी बनाए आप इसको दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको केक बना के, अभी मैं इसको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें चिपका भी है कितना सारा, तो अभी मैं इसको दिखा देती हूँ निकाल के। और देखिए कितना अच्छा बना है ये, और बहुत ही आसानी से निकल गया है। तो देखिए कितना स्पंजी बना है ये केक, तो आप भी ऐसे बनाइए और मुझे कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि आपका केक कैसा बना था। और बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे ये मेरे टिप्स, शायद आप लोगों ने कभी नहीं बनाया होगा ये कुकर में, तो आप एक बार ज़रूर बनाइए। और मैं कट करके दिखा देती हूँ आपको एक बार, तो अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ थोड़ा सा एक पीस को। तो आप देखेंगे कि कितनी आसानी से कट गया, ना तो ये कच्चा है और ना ही ये हार्ड बना है, बहुत ही सॉफ्ट बना है बनाना केक, और वो भी बिना अंडे का और गेहूं के आटे से। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चे को बहुत ही पसंद आएंगे, आप एक बार बनाइए इस लॉकडाउन में। तो आप देख सकते हैं कितना स्पंजी बना है ये। सो गाइस, मैंने आपको दिखा दिया ये ढोकला और केक की रेसिपी, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और आपका कीमती समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।